हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खट्टर और मैं आपको सिखा रहा हूँ मास्टर कैम। और इसमें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि कोई 2D ड्राइंग कैसे बनानी है और 3D में कन्वर्ट कैसे करना है उसको। ठीक है, अगर आपने ट्यूटोरियल पहले वाला नहीं देखा तो अगर वो देख लोगे तो बहुत इजीली ये ट्यूटोरियल भी समझ में आएगा। इसमें आज हम एक और ड्राइंग बनाएंगे, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अगर आपको ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए या आपको ड्राइंग चाहिए तो आप मेरे को वो मैसेज कर सकते हो या मेरे को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं आपको मॉडल सेंड कर दूंगा। तो ये हमारे पास PDF फाइल है, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, तो ये फाइल मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने का सबसे आसान तरीका मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप साथ साथ कंप्यूटर खोल लो और जैसे जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ वैसे वैसे आप करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ड्राइंग कैसे बनानी है। ठीक है, तो लास्ट ड्राइंग में हमने देखा था कि हमने वायर फ्रेम में गए थे और हमने ड्राइंग बनाई थी। तो जब हमने रेक्टेंगल कमांड ली थी तो वो एक कॉर्नर में बन रही थी, बट इस ड्राइंग में हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल सेंटर में है। तो अगर मैं रेक्टेंगल कमांड लेके यहाँ पे एंकर टू सेंटर ऑन कर देता हूँ तो जो रेक्टेंगल है वो सेंटर से बनना शुरू हो जाता है, तो यानी दोनों साइड इक्वल जाएगा। तो आपको कितने बाय कितने का चाहिए? मैंने कहा जी मुझे 300 बाय 300 का चाहिए। ओके करेंगे तो ये 300 बाय 300 का रेक्टेंगल बन जाएगा। राइट क्लिक करके अगर मैं फिट कर दूंगा तो ये स्क्रीन में फिट भी हो जाएगा। इस ड्राइंग में हम देखेंगे कि मिरर कैसे करना है, ठीक है, और सर्कलों के टेंजेंट लाइन कैसे लगानी है। अब देखो यहाँ पे हमारे को दे रखा है 50, यहाँ से दे रखा है 45, तो हम क्या करते हैं पहले एक मिड पॉइंट में लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हमारे को मिरर करने में भी काम आ जाएगी और ऑफसेट करने में भी काम आ जाएगी। ऑफसेट कर लेता हूँ मैं, सॉरी प्रोजेक्ट कमांड ली गई, ऑफसेट कर लेता हूँ मैं 45 इस लाइन को इधर, ठीक है, और नीचे से 50, इसको ओके कर देना है, फिर 50 इसको इधर ओके कर देना। क्यों किया हमने? ताकि हम यहाँ पे एक सर्कल लगा सकें जिसका डाया है, रेडियस है 33, तो कहीं पे भी क्लिक कर दो और उसको बाद में 33 करके ओके कर दो। जो लाइन नहीं चाहिए उसको साथ साथ हम डिलीट करते जाएंगे। एक सर्कल और दिया है हमारे को 110 डिस्टेंस पे और 100 डिस्टेंस पे, तो ऑफसेट कर लेते हैं 110 डिस्टेंस पे इसको ओके, और 100 डिस्टेंस पे इसको इस साइड ओके, और एक सर्कल लगा लेंगे हम जिसका रेडियस है 20 का, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, तो बहुत इजीली हमारा ये बन जाएगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर कलर चेंज हो गया तो राइट क्लिक करके यहाँ से कलर ठीक कर सकते हैं। अब मेरे को लगाना है सर्कल 10 10 रेडियस, तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट 40 का रेडियस, इसका टेंजेंट 100 का रेडियस। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सर्कलों की ऑप्शन होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे आर्क टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क भी है, आर्क टेंजेंट भी है, तो आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं टेंजेंट ले लिया, तो एक इसका टेंजेंट एक इसका टेंजेंट, या हम ये ले लेते हैं आर्क टेंजेंट, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, और रेडियस कितना चाहिए हमारे को पहले भरना पड़ेगा, पहले भर देते हैं हम रेडियस हमारे को चाहिए 100 का। ठीक है, तो जैसे ही मैं दो एंटिटी सेलेक्ट करूँगा उनके बीच में टेंजेंट लगने लग जाएगा, तो वो हमारे को दिखा रहा है कौन सा चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू एंटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और 100 का रेडियस, तो एक एंटिटी ये एक एंटिटी ये, तो वो कह रहा है कौन सा चाहिए। देखो बहुत सारे लग सकते हैं, तो जो हमारे को चाहिए हमने वो वाले को क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। फिर से अब हमारे को दूसरा रेडियस कितना चाहिए, 40 का, तो रेडियस पहले ही दे दो। ठीक है, आर्क टू एंटिटीज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, कौन सा चाहिए? मैं कहिए दिस वन, ओके।
अगर मैं किसी और पे क्लिक कर देता तो वो वाला आ जाता। डिवाइड कमांड लेके मैं इसको जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए ठीक है उतने पोर्शन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है ऐसा कुछ बचे ना, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ बच गया तो वो फिर हमारे को एक्सट्रूड करने में दिक्कत करेगा। ये हमने बना लिया, एक छोटा सर्कल हमारे को और दे रखा है 30 आएगा, तो सर्कल ले लेते हैं यहाँ से 30 डायमीटर। अगर डायमीटर दिया हो तो डायमीटर देना है ड्राइंग में, अगर रेडियस दिया हो तो रेडियस देना है। अब मुझे इसको करना है मिरर, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन होती है मिरर की, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्शन, वो कह रहा है एक्स में ऑफसेट करना है मिरर करना है ठीक है। हमने कहा जी ओके, तो वो एक्स में मिरर हो गया ठीक है। फिर से सेलेक्ट कर लिया हमने एंड सिलेक्शन, अब किस में करना है मुझे वाई में, तो वाई करो कॉपी ऑन होना चाहिए, वाई सेलेक्ट किया ओके, तो ये वाई में भी मिरर हो गया और हमारी जो ड्राइंग है बहुत ही आसानी से बन गई ठीक है। कलर हम इसका ठीक कर देते हैं, बीच वाली लाइनों का काम खत्म हो गया, उनको डिलीट कर देते हैं ठीक है। आपको वायर फ्रेम में ड्राइंग जरूर बनानी आनी चाहिए अगर आपको मास्टर कैम सीखना है तो। अगर आपको ड्राइंग बनानी नहीं आती तो आपको बहुत दिक्कत करेगा ये, क्योंकि हमारे पास टूल पाथ में मशीनिंग का जब हम टूल पाथ करेंगे तो बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं वो 2D के हैं, तो 2D बनानी जरूर आनी चाहिए और साथ में 3D भी बनानी आनी चाहिए। इसको एक्सट्रूड करना है मुझे 20, 20 कर देते हैं ओके, और जो बाकी का है उसको मुझे टोटल करना है 40, तो एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको इसको, चारों को इकट्ठा सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं और इकट्ठा एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ 40 ठीक है। तो यहाँ पे एड बॉस कर देंगे तो ये दोनों आपस में चिपक भी जाएंगे और कॉमन पार्ट जो है वो मर्ज हो जाएगा ओके कर दो। ये जो छोटे होल है तो इसको एक्सट्रूड करो, ध्यान से देखना। अब मैं इसमें एक नई कमांड यूज़ करूँगा, चारों को सेलेक्ट करके ओके किया और कमांड में यूज़ करूँगा कट बॉडी, तो कट बॉडी करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसमें से कट हो जाएगा ठीक है। तो ओके करेंगे तो ये हमारा जो 3D मॉडल तैयार हो गया ठीक है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हाइड एंड हाइड कैसे करते हैं, इस मॉडल में मैं बताऊंगा कि ब्लैंक एंड ब्लैंक कैसे करते हैं। ब्लैंक कमांड लो और जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एड सिलेक्शन तो वो हाइड हो जाएगा। हाइड एंड हाइड में उल्टा था, हाइड एंड हाइड में जो चीज़ हम सिलेक्ट करते थे वो बच जाती थी, ब्लैंक एंड ब्लैंक में जो चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे वो हाइड हो जाएगी। अगर मैं ब्लैंक कमांड लेके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड सिलेक्शन, तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मिरर करना भी आ गया होगा, ब्लैंक करना भी आ गया और टेंजेंट पे सर्कल पे कैसे बनाने हैं वो भी समझ में आ गया होगा ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी लोग फ्रेंड लोग जो मास्टर कैम सीखना चाहते हैं या पावर मिल सीखना चाहते हैं या NX सीखना चाहते हैं या कोई भी मशीनिंग का या सॉलिड वर्क सीखना चाहते हैं, ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पास आके सीखना चाहते हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी फ्रेंड लोग हैं उन सबके साथ वीडियो शेयर करना।